नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2022 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आप सबको पता होगा, राजस्थान में ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा पास छात्रों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता को लेकर आप सबके लिए 1,000 रुपये की बढ़ोतरी और गहलोत मीटिंग में दोस्तों इंटर्नशिप बंद करने को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सबको पता होगा, आप चुनाव नज़दीक हैं दोस्तों, तो चुनाव आने से पहले राजस्थान सरकार नई नई वैकेंसीज ला रही है और लगभग 16 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं दोस्तों। इनमें से 12 लाख तो बेरोजगार आपके लगभग ग्रेजुएशन पास से। आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर आता है। अगर बात की जाए ऑल इंडिया की, तो बेरोजगारी के दूसरे नंबर पर चल रहे 16.80 लाख रजिस्टर्ड हैं बेरोजगार। इनमें से आपको बताऊं दोस्तों, महिलाओं को तो 4,500 रुपये व पुरुषों को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता है। लेकिन इस भत्ते के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2022 से इंटर्नशिप लागू की थी 4 घंटे की। उस इंटर्नशिप की वजह से प्रत्येक महीने 53,000 छात्र जो है बेरोजगारी भत्ता है प्रत्येक महीने बंद हो जाता है। इसीलिए मांग की जा रही है कि दोस्तों इंटर्नशिप को बंद किया जाए। काफ़ी सारे छात्रों का बेरोजगारी भत्ता बंद हो चुका है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको पूरा यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता बिना किसी इंटर्नशिप को देने को लेकर सरकार ने दोस्तों यहाँ पर अपडेट आ रही है। सरकार गारंटी देगी इंटर्नशिप और ट्रेनिंग से नौकरी मिलेगी, यानी कि रोजगारों का जो बेरोजगार हैं दोस्तों उनका दबाव था और विपक्ष का भी दबाव देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जल्द ही नए नियमों को लागू किया जाएगा, तो आप बेरोजगारी का फॉर्म जरूर भरें दोस्तों। पिछले 4 महीने से बहुत ही कम आवेदन आए हैं, फॉर्म बहुत कम भरे हैं, क्योंकि इंटर्नशिप की वजह से छात्र फॉर्म नहीं भर रहे हैं, वो इंटर्नशिप पर नहीं जाना चाहते हैं। इंटर्नशिप के लिए 5 महीने में सरकारी विभाग में 87,000 बेरोजगार पहुंचे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल रेगुलर छात्र कितने हैं, तो दोस्तों 8,45,000 कुल वेरीफाई पेंडिंग हैं। इनमें से दोस्तों सिर्फ 33,500 को ही बेरोजगारी भत्ता मिलता है इंटर्नशिप की वजह से, वो इंटर्नशिप पर रेगुलर जाते हैं, हालांकि उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट रेगुलर नहीं हैं। तो अब दोस्तों क्या होगा कि इंटर्नशिप को बंद किया जाएगा और इसमें आपको 5,000 रुपये अपडेट आ रही है कि 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता किया जाएगा दोस्तों। तो अच्छी खबर रहेगी। इंटर्नशिप बंद करने को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर बताना दोस्तों। 1 जुलाई से ये नए नियम लागू हो सकते हैं, या फिर जुलाई के बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे जिसमें कि बिना इंटर्नशिप के बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।